हेलो गाइस, मैं हरिओम अग्रवाल। स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। तो भाई, आज की वीडियो में ना मैं ये वाला कंपैरिजन दिखाने वाला हूँ जो कि मतलब यूट्यूब पे ज़्यादा लोगों ने नहीं डाल रखा है, जो कि रहने वाला है अल्टुरस G4 वर्सेस स्कॉर्पियो N। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों गाड़ियाँ बिल्कुल साथ में खड़ी हुई हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई अल्टुरस G4 जो है ना, वो भी महिंद्रा की तरफ से ही आती है। अभी 2 से 3 महीने पुरानी ही गाड़ी है ये भी। और भाई इसका साइज़ आप देख सकते हो स्कॉर्पियो N से कितना ज़्यादा बड़ा है। मतलब कि ये दोनों साइड में खड़ी है, मतलब कि साइड बाय साइड खड़ी है। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी हेडलाइट भी इससे नीचे आ रही है, ये मतलब इससे छोटी ही लग रही है। अगर आप सामने से देखोगे ना तो भाई आपको सामने से साफ साफ दिख जाएगा। ये 35 लाख के आसपास की आ जाती है, मतलब ऑन रोड अगर आप बात करो, ठीक है। और इसके टायर वगैरह अगर मैं दिखाऊँ ना स्कॉर्पियो N से, तो ये मतलब कि 10 से 12 लाख का डिफरेंस आ जाता है दोनों गाड़ियों में। दोनों और महिंद्रा की ही रहने वाली है। इसकी वैसे सेल्स मतलब ज़्यादा नहीं हुई है महिंद्रा में, क्योंकि इसका मतलब थोड़ा जो डिज़ाइन भी है ना, जो नई स्कॉर्पियो का इन्होंने बनाया है अल्टुरस G4 जैसा सा थोड़ा थोड़ा सा लगता है। मतलब हेडलाइट को अगर आप ऊपर से कर्व कर दोगे तो ये दोनों गाड़ियाँ मतलब ज़्यादातर सेम सी ही लगती है ना। तो अगर टायर्स की मैं बात करूँ तो भाई इसका आप देख सकते हो 18 इंच का टायर रहने वाला है। और इसका मतलब कि ना ज़्यादा मोटा टायर है और 4-व्हील ड्राइव रहने वाली है ये गाड़ी। और इसमें अगर आपको एक चीज़ दिखाऊं जो इनको स्कॉर्पियो N के अंदर देनी चाहिए थी लेकिन इन्होंने छोड़ दी, ये रहने वाला है 360° कैमरा। उसके कैमरा का व्यू भी मैं अंदर से दिखाऊंगा, मतलब इसके कैमरा की क्वालिटी कैसी आती है। ये भी महिंद्रा का ही है। सामने अगर आप ग्रिल पे भी देखोगे तो यहाँ पर भी ये कैमरा दे रखा है, ठीक है। तो आप दोनों गाड़ियों की फ्रंट प्रोफाइल देख सकते हो, वाइट कलर में ना मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगेगा दोनों गाड़ियों के अंदर। तो ये आप साफ साफ देख सकते हो। इसके अंदर भी मतलब वैसा ही सेंसर का कटआउट दे रखा है बीच में जैसा इसके अंदर दे रखा है। तो यहाँ अगर आप देखोगे ड्राइवर अटेंशन लेवल का एक सेंसर दे रखा है यहाँ विंडशील्ड के बीच में, फास्टैग के पीछे आप देख सकते हो, ठीक है। ऊंचाई में भी मतलब कि स्कॉर्पियो N ऊंचाई में तो मतलब ज़्यादा ही है। और पीछे से अगर मैं बात करूँ तो पीछे से आप देख सकते हो दोनों गाड़ियों की बैक लुक। इसमें भी LED टेल लाइट्स आ रही है, ठीक है, और इसमें भी LED टेल लाइट्स है, लेकिन इसमें जो ये वाले हैं ये इसमें बल्ब मिल जाते हैं। और यहाँ बड़ी सी स्कॉर्पियो N की बैजिंग और यहाँ पर अल्टुरस G4 की बैजिंग। इसके अंदर अभी तक भी ना महिंद्रा का नया लोगो नहीं आया है, तो वो आप देख सकते हो कि स्कॉर्पियो N के अंदर और जितनी भी नई गाड़ियाँ आ रही है ना महिंद्रा की तरफ से, उसके अंदर नया महिंद्रा का ही लोगो है। लेकिन इसके अंदर अभी तक भी मतलब अपडेट नहीं करा है महिंद्रा वालों ने, तो ये आप देख सकते हो। इंटीरियर की अगर मैं बात करूँ ना, इंटीरियर में भाई मेन डिफरेंस आ जाता है। यहाँ अगर आप स्कॉर्पियो N का देखोगे, स्कॉर्पियो N का आपने काफ़ी वीडियोज़ में देख लिया होगा कि इंटीरियर कैसा लगता है, कॉफ़ी ब्राउन इंटीरियर है। और भाई अल्टुरस G4 का इंटीरियर ना सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है मुझे। यहाँ अगर आपको दिखाऊँ मैं तो ये आप देख सकते हो, वुडन फिनिश के साथ साथ यहाँ पर आपको लेदर फिनिश भी मिल जाती है। और ये उससे ज़्यादा प्रीमियम लेदर है इसमें जो यूज़ हुआ है, ये कुछ भी आफ्टर मार्केट नहीं है, ठीक है। इसमें पूरा का पूरा जितना भी इंटीरियर है ना, ये पूरा ये मतलब कंपनी से ही होके मिला है। ये जो मैट्स है वो आफ्टर मार्केट रहने वाले हैं। लेकिन आप सीट्स देख सकते हो भाई, ये तो मैं मतलब कि गाड़ी थोड़ी सी आगे करवा देता हूँ ताकि वीडियो अच्छे से बना पाऊँ। लेकिन आप इंटीरियर में अगर बात करोगे ना, स्कॉर्पियो N का इंटीरियर भाई कहीं कुछ भी नहीं है इसके आगे। इसमें वो नहीं दिए, इसमें फुटस्टेप्स नहीं दिए महिंद्रा ने, तो वो मुझे एक थोड़ी ख़राब चीज़ लगी, क्योंकि भाई ये बहुत ऊँची गाड़ी है। यहाँ अगर आप देखोगे तो पूरा पैर आपको उठा के बैठना पड़ेगा, ठीक है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल डुअल जोन रहने वाला है ये इसका भी, ठीक है। बाकी अगर ड्राइवर साइड गेट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ आप देख सकते हो जो इसमें कंट्रोल्स है, चारों ही जो पावर विंडोज़ हैं वो और मतलब 1 touch down 1 touch up है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो सीट्स में भी यहाँ पर एयरबैग दे रखे हैं जो कि उस गाड़ी के अंदर मिसिंग है। लेकिन वहीं भाई ये प्राइस डिफरेंस भी आ जाता है, 30 से 35 लाख की ये गाड़ी रहने वाली है, तो मतलब 12-13 लाख का ना साफ साफ डिफरेंस आ जाता है। वो 22.5 के आसपास की पड़ी है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे ना सेंटर से भाई, मतलब ये जो गाड़ी है ना इसका इंटीरियर बहुत ज़्यादा प्रीमियम है स्कॉर्पियो N से। अगर आप सच्ची में देखोगे ना इंटीरियर, मतलब कि रियल लाइफ में अगर आप देखोगे कभी भी, तो अल्टुरस G4 का जो इंटीरियर है बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगता है। यहाँ अगर आप देखोगे सिल्वर फिनिश दे रखी है ट्विटर्स के लिए। और यहाँ पर अगर आप बस सेंटर कंसोल देखोगे ना, तो थोड़ा थोड़ा XUV 300 इनकी आती है ना उसकी रिजेम्बलेंस करेगा ये, लेकिन भाई फिर भी यार स्क्रीन इतनी मतलब वो भी नहीं है, मतलब अपडेटेड भी नहीं है। ये चीज़ें अगर ये अल्टुरस G4 के अंदर कर देना तो इसकी सेल्स बढ़ सकती है हिसाब से। लेकिन फिर वही है भाई, इसकी थर्ड रो में ना इतनी ज़्यादा जगह नहीं मिलती आपको। स्टेयरिंग अगर आप देखोगे, स्टेयरिंग भी मतलब कि थोड़ा सा ना ओल्ड फैशन सा ही लगता है। मतलब अगर आप सही में देखोगे यहाँ पर आपको मेमोरी सीट के फंक्शन मिल जाते हैं, 3 मेमोरीज के आपको यहाँ पर है, ठीक है। और यहाँ पर आप सेट कर सकते हो, यहाँ पर पावर एडजस्टेबल ड्राइवर साइड सीट मिल जाती है, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह ये सब कुछ आपको मिल जाता है, इलेक्ट्रिक टेल गेट ओपनिंग का भी यहाँ पर बटन मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर अगर मीटर की बात करो ना, तो मीटर में भाई इतना ज़्यादा स्मूथ है ना, ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है स्कॉर्पियो N के मुकाबले में। स्कॉर्पियो N का इंटीरियर आपने काफ़ी ज़्यादा देख रखा होगा, वो इससे थोड़ी छोटी भी लगती है साइज़ में। और मतलब जो इंटीरियर है ना इसका ही ज़्यादा प्यारा है। मतलब अगर आप यहाँ पर देखोगे स्टार्ट स्टॉप बटन की या फिर किसी भी चीज़ की आप बात कर लो,
एल्टुरस G4 का भाई इंटीरियर बहुत ज़्यादा प्रीमियम रहने वाला है। इसकी जो छत आ रही है वो भी मतलब ब्लैक्ड आउट है, और इसमें भी आपको सनरूफ मिल जाती है। सनरूफ जो है वो स्कॉर्पियन से छोटी रहने वाली है थोड़ी सी, लेकिन फिर भी भाई मतलब कि काम की है ये सनरूफ भी। लेकिन भाई इसकी सनरूफ जो है ना वो भी मतलब पूरी काम की है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखो आप, अभी बारिश हो रही है इसलिए मैं खोलूंगा नहीं, तो यहाँ आप देख सकते हो। बाकी यहाँ पर अगर आप बात करो तो वही वैनिटी मिरर और आपको लाइट भी मिल जाएगी, ठीक है, इसके साथ। और भाई लेकिन सीट्स का जो कंफर्ट है ना, इसका नेक्स्ट लेवल का है। बस इसमें अगर थोड़ी सी इंप्रूवमेंट कर दें ये मतलब स्टेयरिंग की, और ये जो भी मतलब कि इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, तो भाई ये गाड़ी आर पार बन जाएगी। मतलब फॉर्चुनर के बिल्कुल टक्कर की गाड़ी है। स्कॉर्पियो एन भी ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं फॉर्चुनर से मतलब थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी भाई जिस प्राइस में वो आ रही है ना वो अपने पूरी जस्टिफाई कर देती है। यहाँ अगर आप देखोगे तो आर्मरेस्ट मिल जाता है इसमें आपको, कोई भी कप होल्डर वगैरह कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है। और यहाँ पर तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट दे रखे हैं, उसके अंदर सिर्फ दो ही आ रहे हैं, बीच में मतलब थोड़ा सा कटआउट छोड़ रखा है, लेकिन फिर भी भाई ठीक है। यहाँ अगर आप पैसेंजर साइड पीछे का जो डोर देखोगे तो उसकी आप लुक देख सकते हो। ये जो लेदर का वर्क हो रखा है ना, ये स्कॉर्पियो में मतलब कि थोड़ा सा मिसिंग लगता है ये जो गाड़ी है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो इसकी ज़्यादा वेटिंग भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप बात करो इसको मतलब आप 2 से 3 महीने में अपना बना सकते हो, अपने घर में ला सकते हो, ठीक है। और बाकी अगर मैं थर्ड रो की बात करूँ तो बस एक चीज़ जो इसकी कमी लगती है ना मुझे, वो आप देख सकते हो इसमें इलेक्ट्रिक टेल गेट आ रहा है। बाकी अगर थर्ड रो में आप बूट स्पेस की बात करो ना, थर्ड रो अप करने के बाद, तो ये आप देख सकते हो कि इसमें फिर भी अच्छी खासी बूट स्पेस जो है वो आ जाएगी, ठीक है। लेकिन यहीं अगर आप स्कॉर्पियो एन की बात करो तो इसमें भाई डिक्की बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ आप देख लो बस एक बैग आ जाएगा मुश्किल से। लेकिन अगर वहीं आप उसकी बात करोगे तो यहाँ आप देख सकते हो कि पूरी की पूरी अच्छी खासी जगह मिल जाती है अपना सामान डालने के लिए। बस एक चीज़ की जो यहाँ पर कमी है वो है पीछे आपको ना बहुत ज़्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक लगेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई सा भी ग्लास पैनल नहीं है, बहुत छोटा सा क्वार्टर ग्लास दे रखा है। इसका अगर ग्लास एरिया थोड़ा बढ़ा दिया जाए, और मतलब कि इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है थोड़ा सही कर दो, और ये बस स्टीयरिंग अपडेट कर दो, तो भाई ये गाड़ी की टक्कर नहीं है बिल्कुल भी। महिंद्रा खुद भी मतलब कि इसकी सेल्स पता नहीं क्यों काम नहीं कर रही इस पर। रेक्सटन के नाम से ये पहले आती थी, लेकिन अब ये जो गाड़ी है महिंद्रा ही बेच रहा है एल्टुरस G4 के नाम से। बाकी अगर स्कॉर्पियन की अगर आप बात करोगे ना, तो मैं आपको इसकी भी सीटिंग दिखा देता हूँ सारी की सारी साइड में, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो दोनों के सीटिंग में कितना ज़्यादा फ़र्क है, उसमें कितना ज़्यादा लेग रूम है, जहाँ पे स्कॉर्पियन में इतना ज़्यादा कम लेग रूम आपको मिलेगा। लेकिन वहीं आपको अगर यहाँ पर फुटस्टेप नहीं मिल रहे ना, तो इसमें चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा इस गाड़ी के अंदर। बाकी एसी वेंट्स का डिज़ाइन भी आप देख सकते हो, पीछे एक ही चार्जिंग पॉइंट मिलेगा, और यहाँ पर ब्लोअर स्पीड एडजस्ट करने का भी यहाँ पर बस 3 ही फैन स्पीड्स मिलेंगी, ठीक है। और यहाँ आप देख सकते हो कि पूरी की पूरी स्पीकर्स भी ऊपर ही दे रखे हैं ऐसे एक्सपोज से। अल्टीमेटली ये बोलना चाहूँगा जो लोग मतलब स्कॉर्पियो एन देख रहे हैं ना, ये जो महिंद्रा की अल्टुरस G4 आ रही है जो पहले रेक्सटन के नाम से आती थी, वो भी एक बार ही कंसिडर कर सकते हैं। बाकी अगर कैमरे की बात करो ना, जो स्कॉर्पियन में मेजर कंप्लेंट है और मतलब XUV700 में, तो भाई उसका कैमरा सेटअप भी मैं दिखा देता हूँ गाड़ी के अंदर। तो भाई यहाँ आप देख सकते हो कि इसका रिवर्स कैमरे की क्वालिटी भाई कितनी ज़्यादा साफ है, और इसमें लैग वगैरह है थोड़ी। गाड़ी आगे पीछे करके दिखाना एक बारी, हल्की सी आगे पीछे। तो भाई यहाँ आप देख सकते हो जरा सा, जिसे कहते हैं ना इतना सा भी लैग नहीं है। 360 डिग्री कैमरा की आप यहाँ पर देख सकते हो, रिवर्सिंग गाइडलाइंस भी आ रही है, और भाई कैमरे की क्वालिटी मतलब ये जो मेजर चीज मैं मिस करता हूँ ना स्कॉर्पियो एन के अंदर, वो यही रहने वाली है। वाइपर्स आप इसके देख सकते हो कि मतलब कि मोटे ब्लेड वाले ही हैं, तो वो भी बिल्कुल मतलब महिंद्रा के वैसे से ही हैं। और इसके अंदर भाई वेंटिलेटेड सीट्स और दे रखी हैं, मतलब जो XUV700 में नहीं दिया ना इन्होंने, वो इसमें दे रखा है। तो भाई बस मतलब कि थोड़े थोड़े अपडेट्स ही अगर कर दे इसके अंदर सिस्टम के अंदर, तो भाई ये गाड़ी जो है फॉर्च्यूनर के बिल्कुल टक्कर की बन जाएगी। बस एक थर्ड रो में इनको जो ग्लास एरिया है ना, ये फ्रंट वाला कैमरा है, तो भाई यहाँ फ्रंट कैमरे की भी आप क्लैरिटी देख सकते हो। और स्कॉर्पियो इनका कैमरा तो आपने कई बार देख ही रखा है, तो भाई मतलब मैं इसका बता नहीं सकता कि कितना ज्यादा इतना प्यारा कैमरा है। इसमें इंडिकेटर देने पे चलता है कोई कैमरा, मतलब इसका कोई व्यू इसमें नहीं आता ना, XUV700 में आता है मेरे ख्याल से, तो XUV700 में भाई वो कैमरा मिल जाता है। बाकी बॉटल होल्डर्स वगैरह इसके सब कुछ एक्सेसिबल है। और सीटिंग कंफर्ट अगर मैं बात करूँ ना, सीटिंग कंफर्ट इसका इतना मतलब कि दोनों का ही, दोनों गाड़ियों का एक जैसा सही लगता है मुझे सीटिंग कंफर्ट। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो इंटीरियर में अगर बात करो ना, तो आप अगर रियल लाइफ में कभी बैठने का मौका मिले तो एक बार ज़रूर बैठ के देखना, ये गाड़ी बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगेगी आपको स्कॉर्पियो एन के मुकाबले में। ये वीडियो आपने अगर यहाँ तक देखी है तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।